Hello, good morning students. So I am Rajesh Chaurasia. So today we are going to start our new topic, atomic clock. तो देखो atomic clock मतलब जो जितनी भी हमने clock पढ़ी है, watch पढ़ी है, उसमें सबसे जो accurate होती है वो atomic clock की होती है, और यही हमारी पूरी country की जो time होता है उसको maintain करके रखती है, या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी country का जो सबसे जो हमारी country का जो accurate time होता है उसको कौन maintain करके रखता है, एटॉमिक क्लॉक। देखो हर कंट्री अपने अपने एक्यूरेसी को मेंटेन कर के रखती है, वो बात हो टाइम की या किसी भी मेजरमेंट की, ठीक है ना, क्योंकि जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो SI यूनिट में किया जाता है, तो इन सबकी क्या होती है, एक लेबोरेटरी होती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ जो एटॉमिक जो क्लॉक है वो कहाँ पर है, NPL में, जो कि मेजरमेंट को मेंटेन करके रखता है। तो हमारे यहाँ एटॉमिक क्लॉक जो जहाँ पर है वो है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो हर कंट्री अपने अपना टाइम मेंटेन करके रखती है, उसी तरीके से हमारी जो कंट्री इंडिया, जो इंडिया का जो टाइम मेंटेन होता है, एक्यूरेसी ऑफ टाइम, वो कहाँ पर किसके थ्रू मेंटेन होता है, एटॉमिक क्लॉक के थ्रू। कहाँ पर, और ये कहाँ पर है, हमारे न्यू दिल्ली में NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, ठीक है ना। वहाँ हर चीज़ का मेजरमेंट मेंटेन होता है एक्यूरेसी के साथ, बट हम अभी बात कर रहे हैं टाइम की। तो जो टाइम, एक टाइम की जो एक्यूरेसी मेंटेन होती है वो कहाँ पर होती है, हमारे NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना। तो अब देखो बात आती है कि एटॉमिक, और ये अब मतलब इस यूनिवर्स की सबसे जो एक्यूरेट मेजरमेंट डिवाइस है टाइम का, वो एटॉमिक क्लॉक की होती है। मतलब ये जैसे कि अभी मैं पूछूँ आपसे कि अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 10 AM हो गया। मैं बोलूँ कि और एक्यूरेट बताओगे तो आप क्या बता दोगे, मिनट पे 10:05 हो गया, ठीक है, और फिर बोलूँ कि और एक्यूरेट बताओ तो आप क्या बता दोगे, ज़्यादा सेकंड कि भाई 10 AM 5 मिनट और 30 सेकंड, बट मैं पूछूँ कि और एक्यूरेट तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये मतलब ये एटॉमिक क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है कि मतलब सेकेंड के भी 1 मिलियंस पार्ट इतना एक्यूरेट टाइम बता देती है, ठीक है ना। तो देखो एटॉमिक क्लॉक होती क्या है, एन एटॉमिक क्लॉक मोस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ टाइम पीस इन द वर्ल्ड। देखो जो सबसे एक्यूरेट टाइम मेजर करती है वो कौन करती है, एटॉमिक क्लॉक, और ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी, ठीक है ना। डिजाइन टू मेजर टाइम अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन विद इन एटम। देखो वाइब्रेशन मेन है, वाइब्रेशन होगा तभी टाइम मेजर होगा। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ना, वो एटम के थ्रू, मतलब एटम को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है न्यूक्लियस को, और उससे रेडिएशन निकलती है, और वो होता है CGM एलिमेंट, CGM या रूबिडियम, बट मेनली CGM हम यूज करते हैं। CGM को एक्साइटेड किया जाता है उसकी, ठीक है, और उससे क्या होता है, रेडिएशन उसको एमिट की जाती है, और उस रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, जब एटम क्या होता है, ब्रेक होता है, तो इससे क्या होता है, ये रेडिएशन, ये CGM एटम है ना, ये क्या है आपका CGM एटम, और इससे क्या होती है, जब इसको ब्रेक, ये क्या किया हमने, इसको ब्रेक, तो इससे क्या होगी, पल्स जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट, इससे जो रेडिएशन निकलती है ना, रेडिएशन, तो इससे क्या होता है, ये वाइब्रेशन जनरेट होता है, ठीक है, और ये पल्स, ये वाइब्रेशन से क्या होता है, ये मतलब ये पल्स जनरेट होती है, और इसके थ्रू ये क्या होता है, ये टाइम मेजर किया जाता है। तो एटम को एक्साइटेड किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उससे क्या होता है, रेडिएशन बाहर निकलती है, और उससे पल्स जो जनरेट होती है वो हाईली एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी की होती है, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, टाइम मेजर, और सेकंड को भी हम, सेकंड का भी मतलब 1 मिलियन पार्ट मेजर कर सकते हो, तो देख लो आप कितना एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो इसमें CGM एटम, देखो एटम या एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी हो, ये मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कि देखो मान लो CGM आपके इंडिया में मिला और अफ्रीका में मिला, या फिर लेटेस्ट US में मिला, ठीक है ना, माइंस में, तो सभी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है स्पेशल कि सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो सभी जगह एक ही प्रॉपर्टी शो होती है। तो एवरी कंट्री हैज द मेंटेन टू एक्यूरेसी ऑफ SI यूनिट। देखो सब कंट्री अपनी अपनी SI यूनिट को मेंटेन करके रखती है, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट को मेजर करके रखती है। और देखो SI यूनिट क्या होती है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, तो ये क्या करती है, क्योंकि सभी जगह यही चलती है SI यूनिट। इन आवर कंट्री नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, मैंने बोला था ना हमारे यहाँ कहाँ मेंटेन होती है, NPL,
शॉर्ट फॉर्म क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, NPL, सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑल द SI यूनिट। तो जितनी भी SI फिजिकल यूनिट की जो SI यूनिट होती है वो कौन मेंटेन करके रखता है हमारी कंट्री में, वो मेंटेन करके रहता है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। बट हमें औरों से लेना देना नहीं है, हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओनली टाइम की, SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडिंग टाइम, टाइम के साथ टाइम भी है ना, बट हमें तो टाइम की बात करनी है तो हम टाइम की बात करेंगे। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है उसको मेंटेन करके कौन रखता है, NPL हमारे इंडिया में, ठीक है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, कहाँ पर, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है भैया। अब देखो, अब एटोमिक क्लॉक होती क्या है, तो एन एटोमिक क्लॉक इज यूज टू मेंटेन द एक्यूरेट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर नेशन। तो जो एटोमिक क्लॉक होती है वो किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री नहीं, ये किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। मतलब जो भी टाइम मेजर होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब उसको हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इट कैन मेजर टाइम इंटरवल विद इन एक्यूरेसी ऑफ 1 millionth ऑफ द सेकेंड। मतलब ये इतनी एक्यूरेसी से टाइम मेजर कर सकता है कि जो सेकेंड होता है ना, सेकेंड का भी 1 millionth पार्ट को भी मेजर कर सकता है। अब देखो 1 millionth पार्ट कितना, मतलब कितना कम होगा, तो उसको भी ये मेजर कर सकता है। किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन क्या होता है, एटम को एक्साइटेड किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, उससे क्या होता है, रेडिएशन निकलती है, और रेडिएशन से क्या होता है, पल्स जनरेट होती है, ठीक है ना। पल्स मतलब वाइब्रेशन है ना, और वो मतलब क्या होते हैं, बहुत एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशन होते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, फिर टाइम मेजर होता है, ठीक है। और देखो हाँ, द और जो एटॉमिक जो जैसे मतलब द ये एटॉमिक क्लॉक होती है ना, तो इसमें बीप की साउंड सुनाई देती है। जब पहले क्या होता था, दूरदर्शन एक चैनल, मतलब एक ही चैनल होता था, तो उसमें क्या होता था, जैसे न्यूज़ आती थी तो एक बीप की साउंड आती थी, दूरदर्शन का जैसे लोगो आता था तो एक बीप की साउंड, तो ऐसी साउंड आती है वहाँ पर। तो देखो, द एटॉमिक क्लॉक वर्क ऑन रेडिएशन एमिटेड बाय सीजियम एटम, सीजियम और रुबिडियम, बट मोस्टली सीजियम ही यूज करते हैं। तो सीजियम से जो रेडिएशन एमिट होती है, सीजियम के एटम को क्या किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है, और उससे जो उसको जो ब्रेक किया, तो उससे जो रेडिएशन एमिट होती है तो क्या होता है, उससे पल्स जनरेट होती है, मतलब उससे वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और उस वाइब्रेशन के थ्रू क्या किया जाता है, टाइम को मेजर किया जाता है। द बीप साउंड रिलेड बाई दूरदर्शन टेलीविजन चैनल जस्ट बिफोर द नेशनल न्यूज बुलेटिन। तो उसमें कैसी आवाज़ आती है, जैसे कि बीप की साउंड आती है ना इस तरीके से, तो जैसे मतलब क्या होता था, पहले न्यूज स्टार्ट होती थी ना, उससे पहले दूरदर्शन के लोगों के साथ एक बीप का साउंड आता, तो ऐसी साउंड आता है उसमें। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वापस मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है, ये एटम होता है, मान लो सीजियम, क्या ये सीजियम एटम है ना, सीजियम एटम, ठीक है, सीजियम एलिमेंट का एक, इसको क्या किया जाता है, एक्साइटेड किया जाता है और इसको ब्रेक किया जाता है, तो इससे क्या होता है, ये रेडिएशन निकलती है। ये क्या है, रेडिएशन, और यहाँ से क्या होती है, इस रेडिएशन के थ्रू पल्स जनरेट होती है, और इस पल्स के थ्रू हम टाइम मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से एटॉमिक क्लॉक के थ्रू टाइम मेजरमेंट होता है, और ये यूनिवर्स का सबसे एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट डिवाइस है, और हर कंट्री इसको मेंटेन करके रखती है। तो ये एक बार अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कर लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें किसके लिए, एटॉमिक क्लॉक के लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है सो यू कैन आस्क योर डाउट इन कॉमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।